क्या नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं अभी मौजूद हूँ अनुमंडल मोहनिया में, देख रहे हैं कि प्रेजेंट के नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नामांकन करके अभी बाहर निकल रहे हैं, इनके जो है प्रतिनिधि रहे हैं, जो इनके साथ है राजकुमार जी जो चेयरमैन रह चुके हैं प्रेजेंट के, 5 साल में कौन सा काम किए हैं और कौन सा काम बाकी रह गया है। अगर जनता इन पर विश्वास करके इनको अगर जिताती है तो कौन सा काम करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, फिर आज नामांकन करा के आप लौट रहे हैं, ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो अभी बाकी है, जो अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो सबसे पहले करेंगे? देखिए, मुझे 2017 में जो जिम्मेवारी मिला उसमें मैंने 90% नली गली का आपका पूरा करा दिया काम, 10% जो बचा हुआ उसके बाद जहाँ रोजगार देने की बात थी मैंने रोजगार देने के लिए सारे पहलू तैयार कर दिए हैं। और कोरोना काल के चलते मेरा कुछ काम रुका हुआ है, मैं अभी वादा करता हूँ आपसे 350 रोजगार सारा फाइल मेरा बना हुआ है। जो ही हम लोग सर्टिफिकेट मिले 12 को और 13 से 14 को हम लोग टेंडर कर देंगे और मोहनिया के युवाओं को रोजगार देंगे और मोहनिया की सफाई व्यवस्था अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य विभाग अच्छा करेंगे और जो शिक्षा के जर्जर सड़कें जर्जर बिल्डिंगें हैं भवने हैं आंगनबाड़ी के सबको दुरुस्त करने का हम प्रयास नहीं करेंगे, हम उसको पूरा कराएंगे, ये मेरा वादा है। ये आप पूरा कराने की बात कहे हैं, अभी 5 साल में कौन कौन चीज पूरा आपने जो कराया है, जो जनता आपको उस काम के बल पे वोट देगी वो तरह बता दें तफसील में? मैं बता ही दी आपको कि 90% नली गली का मैंने निर्माण किया, जल निकासी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया, कहीं बारिश के दिन में पानी नहीं लगता है। और मैंने कोरोना काल में 28 दिन तक बॉर्डर पर रह के लोगों की सेवा किया है, मोहनिया शहर के लोगों को 16 लाख रुपया लगा के मैंने सुबह शाम अपने पैसे से खाना पहुंचाया है डोर टू डोर। जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोगों को बॉर्डर पर सील होने की दवाई नहीं मिलती थी, मैं जाकर अपनी गाड़ी भेज के बनारस DM साहब से परमिशन कराकर सबकी दवाई लगाया, सबके घर घर पहुँचाया। मैं जनता के साथ रूबरू रहता हूँ हमेशा और मेरा यही कर्तव्य है। और अब जो मठाधीश लोग हैं मोहनिया के, जो सोचते हैं कि मठाधीश के बल पर अपने चरवाह को लगवा दें यहाँ पर, ये नहीं कतई बर्दाश्त करेगा मोहनिया। मोहनिया उसी को लेगा जो मोहनिया आम लोगों के साथ जुड़ता रहेगा, आम लोगों के साथ चलता रहेगा, उसको मोहनिया स्वीकार करेगा। मोहनिया का लास्ट सवाल है आपसे कि मोहनिया का मूलभूत समस्या जो है वो जाम की है, जैसा आप जानते हैं कि बराबर जाम लगता है, उसको खत्म करने के लिए आपसे की तरफ से क्या पहल किया जाए? जाम लगने के लिए ये मेरे तरफ से पहले तो पूरे शहर को वनमय मैं करूंगा, वनमय करने से आपका जाम का 50% समस्या खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज जो बस स्टैंड की बात है, मैंने फाइल बढ़वा दिया है नगर विकास में अपने ही कार्यकाल में, और हो सकता है 2 से 3 महीने के बाद वो फाइल अगर आ जाए तो आपका ये बस स्टेशन शहर से बाहर चला जाएगा। और मैं वादा करता हूँ कि 5 से 6 महीने के अंदर आपको शहर में कहीं जाम नहीं दिखेगा। देखिए, इन्होंने वादा किया है, आज मीडिया के सामने कैमरा पे इन्होंने वादा किया है कि किसी भी तरह की समस्या जो है जाम की, जो मूलभूत समस्या है मोहनिया वासियों की, ये 4 से 5 महीने में बढ़ा चुके हैं। ये तो बात की बात है कि क्या होता है, लेकिन जनता इनके बात पर कितना विश्वास करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, जब इसका काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो है हमने ये काम कर दिया है और आगे भी काम हम जो है बचा हुआ करेंगे, जाम की समस्याओं को निदान दिलाएंगे। इसी तरह से पल पल का डेट बने रही है मीडिया।